हेलो गुड मॉर्निंग एंड राम राम सभी को, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एक आवाज़ आपको आ रहा होगा क्योंकि मेरे केतल में पानी गर्म हो रहा है अद्दू को नहाने के लिए। सो आज मेरे आ रहे सास ससुर एंड पति देव, मतलब बाऊजी गए थे गुवाहाटी, उनका रेगुलर चेकअप था एक वो करने के लिए। नामा भी गई थी, बहुत दिन हो गया था मुन्ना दी के घर नहीं गई थी, एंड वो लोग रिटर्न हो रहे आज, एंड होते हुए हम लोग के यहाँ पे विजिट करके जाएंगे। तो मैंने एक्चुअली वो आ रहे बोल के मुझे अभी थोड़ा बाद में पता चला, मेरा वैसे भी मंडे से कहीं मुझे जाना है, वन वीक मतलब कुछ टाइम मुझे नहीं मिलेगा घर के लिए। तो मेरा आज प्लानिंग था कि डीप क्लीनिंग करना है, इसलिए सारा काम फैला के रखा हुआ है। एंड किचन में भी बहुत सारे सब्ज़ी मतलब होते हैं ना, थोड़ा सब्ज़ी बहुत कुछ रह गया है, एंड कुछ कुछ सब्ज़ी के लिए थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो वो सब मैं आज क्लियर कर रही हूँ। तो बहुत कुछ कुकिंग किया है, मैं दिखाती हूँ आपको एक बार। याद आ गया कि चलो वीडियो बनाते हैं बोल के, अभी यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं। अद्दू को आजकल पेंटिंग करने का बहुत शौक चल रहा है, वैसे वो इंटरेस्टेड है तो मैंने उसको लाके दे दिया था, मैं दिखाऊंगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वही माँ बेटा का दिन ऐसे ही शुरू है, आज सैटरडे है, अद्दू का स्कूल नहीं है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, एंड मिलवाती हूँ मेरे सास ससुर से आपसे, प्लस जो प्रिपरेशन है वो भी दिखाती हूँ। उसमें से बहुत कुछ दो तीन चीज़ तो वो लोग नहीं खाएंगे मुझे पता है। तो सबसे पहले तो मैंने ये डोसा का जो बैटर है ना वो रेडी किया है, ये एकदम इंस्टेंट वाला है। इसमें ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था, उसको मैंने यही खाया, सिंपल करके बनाया है ताकि अभी भी खाए। एंड क्योंकि डोसा का बैटर बनाया तो मुझे सांभर भी खाने का मन हो गया था, तो यहाँ पे अरहर दाल एंड यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल, बहुत सारे वेजिटेबल्स मैंने कट करके इसमें रख दिए हैं, अभी किसी भी रखा है दो धाके। तो ये हो गया दूसरा आइटम, इसको मैं बिठाती हूँ अभी। यहाँ कटहल को उबाल लिया है तो ये भी आज बना रही हूँ, तो आधा घंटा लगा के मैंने ये छील लिया है। आई हेट दिस, ये छीला छिली वाला काम कसम से बता रही हूँ, ये मुझे लगता है एक मुर्गी काटने जैसे ही काम है, पूरा हाथ स्टिकी हो जाता है हाथ वक्त। फिर भी मैंने गर्म पानी में किया था, गर्म गर्म क्या ना हाथ भी पूरा पिंक हो गया, तो इतना कचरा निकला है, इतना निकला, काफ़ी ज़्यादा निकला है। ये एक डी ने मुझे भेजा था बहुत ही प्यार से, तो इसलिए मैंने ये आज इतना मेहनत किया, लेकिन ना अगर मैं तो खरीद के बिल्कुल भी नहीं लाती हूँ कसम से बता रही हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं अद्दू के लिए खिचड़ी बनाने के लिए कर रही हूँ, मैं ऐसे साथ में ही नमक एंड हल्दी डाल देती हूँ। एंड यहाँ पर मैंने लिया है पाँच फूरन देके मैं उसको बनाऊँगी। मेरे पड़ोसी ने दिया है मुझे, हाँ दाल मांग नहीं खाना है, मुस्लिम खाना है, ओके ठीक है। तो ये लीची एकदम पेड़ से तोड़ के साथ साथ आए, इसको मैं बाद में खाऊंगी, अभी मैं आदमी को खिलाती हूँ खाना। यहाँ पे उसका खिचड़ी भी बनके रेडी है, थोड़ा सा गर्म पानी दूंगी, गर्म पानी हो रहा है वहाँ पे। गाइस नहा वहा लिया है, खाना वाना भी खा लिया है, अद्दू को यहाँ पे सुला भी दिया है, घर बहुत छोटा है तो दिखाने में इजी होता है। एंड सांभर के लिए सारा प्रिपरेशन कर लिया, एक्चुअली क्या है ना अद्दू के लिए जो खिचड़ी बनाया था वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने वही खा लिया, दिन को लंच प्रॉपर नहीं बनाया है क्योंकि शाम को माओ बाबूजी एंड तपन आ ही रहे हैं एंड मुझे भूख भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं आराम से खाना बनाती हूँ। सब कुछ काम वाम कर लिया, घर का झाड़ू पोछा, वेदर आज बहुत ही अच्छा है, लास्ट तीन दिन जो धूप निकला था मुझे तो पागल ही हो जाऊँगी। एंड अभी पानी गिर रहा है, एंड अभी मैं सांभर बनाऊंगी, उसके बाद मैं कटहल की सब्ज़ी बनाऊंगी, उसके बाद मैं दाल वाल सिंपल भिगो के रख दूँगी क्योंकि शायद अम्मा ये दाल खट्टा होने से नहीं खाएंगे, उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, थोड़ा टेस्ट करेंगे, अदरवाइज मैं खाऊंगी बाद में। तो चलो ये बनाती हूँ, सांभर बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। प्रिपरेशन भी मैं दिखा दूँ, यहाँ पे दाल मैंने फेंट लिया है, सब्जी धो के मैंने रख के मसाले सारे मैंने, ये सांभर मसाला है, रेड चिली पाउडर है, ये धनिया चिल्ला था, धनिया जीरा पाउडर है, यहाँ पे खड़ा मसाला, इसका मैं कलर आपको दिखा देती हूँ। हाँ देखो इतना सुंदर, इतना अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है ना, मुझे तो ऐसा लगा कि बाटी में निकाल के अभी खा लूँ। जो मैंने आपको नहीं दिखाया, इसमें मैंने जीरा धनिया का पाउडर दिया है, रेड चिली पाउडर थोड़ा सा दिया है, जस्ट थोड़ा सा, एंड सूखा मिर्च जो मैंने वो छोक में दे दिया था। उसके बाद मैंने इसमें दिया है सांभर मसाला, थोड़ा सा गुड़, इतना बड़ा टुकड़ा गुड़, और थोड़ा सा निकल पानी का रस मैंने दे दिया है। अब मैं इसमें इसका फाइनल लास्ट अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये जो दाल है
मुझे ना सांभर थोड़ा गाढ़ा सा ही पसंद है, क्योंकि लोग बहुत पतला पतला सांभर खाते हैं, मुझे इतना पतला सांभर पसंद नहीं है। तो मुझे जो सांभर होता है वो थोड़ा गाढ़ा ही होता है, इसको मैं अच्छे से उबलने दूँगी ताकि दाल और ये सब्जियों का जो टेस्ट है एक दूसरे के अंदर अच्छे से मसाला जो है सब में अच्छे से मिक्स हो जाए, फ्लेवर एक अच्छा सा इसका क्रिएट हो। तो बस मेरा सांभर बन के यहाँ पर रेडी है। टेस्टी लग रहा है कि नहीं दोस्तों? वेरी वेरी टेस्टी। तो उसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। किट का कढ़ाई है, फिर भी मुझे किट की कढ़ाई में खाना बनाना बहुत अच्छा था। वाली हूँ पीनट की चटनी। तो पीनट क्योंकि मैं ऐसे रेडी रखती हूँ, आपको दिखा दूँ, ये फ्राई किया वाला बादाम में रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना कभी बहुत भूख लगता है तो मैं ऐसे निकाल निकाल के खाती हूँ। तो पीनट रेडी है, फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसमें ना ये करूँगी, ये कुछ दाल है, चने दाल और उड़द की दाल, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। करने के बाद इसमें मैं रेड चिली भी दे दूँगी। यार कैमरा पकड़ के काम करना ना, एडजस्ट पे ऑन करती हूँ तो अभी आदमी खांसने लग जाएगा। एंड ये पर्दा यहाँ पे लगाने का मेन रीज़न ही है कि कभी अगर किचन में ऐसा झाल वाल कुछ बने तो अधिक तक ना जाए। तो एंड यहाँ पे मैंने अनियन, गार्लिक एंड जिंजर थोड़ा सा कट के रखा है, रफली किया है, बड़ा चम्मच भी नहीं निकाल नहीं ले रही हूँ, इसको जस्ट सोते होने दूँगी, थोड़ा फ्राई तो होना नहीं है, सोते हो जाएगा तो भी हो जाएगा। दाल देके मैंने इसमें तड़का लगाया है। एंड आप ये गलत फहमी में बिल्कुल भी ना रहे कि मेरे सास ससुर आ रहे हैं तो मैं इतना तामझाम कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो तो ये सब इतना खाते भी नहीं है, उनको कभी कभी खिलाने में अच्छा लगे। अभी वो जर्नी करके आ रहे हैं तो मैं उनके लिए प्लेन दाल सब्जी बना रही हूँ, ये बीन लॉन्ग बीन का सब्जी, प्लेन मूँग की दाल एंड क्रीम है। एंड वो सुबह जो मैंने एक बनाया था, क्या था, कटहल का सब्जी, वो सभी होगा एंड आलू पिटिका। मेरे ससुर जी को ऐसा ऐसा मैश किया वाला आलू पिटिका बहुत पसंद है, मतलब अच्छे से एकदम हाथ से मैश किया वाला। एंड ये सब मैं कर पाती हूँ, प्लस वीडियो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ ओनली बिकॉज ऑफ माय डियर बेटा। ये मेरा इतना गुड बॉय है, आज मम्मी और बेटा दोनों ब्लू ब्लू ना बेटा, हाँ मेरा बेटा इतना गुड बॉय है, अकेले खुद से खेलता है, लाइट चला गया बोला तो वो अकेला डरा ही दिया था इसने मुझे, क्यों इन्वर्टर टच करता है। अभी मैं तुम्हारा तारीफ कर रहा था और तुम बदमाशी करने शुरू हो गया। इसने ना एक दो बार एक्चुअली नोटिस कर लिया है मुझे इन्वर्टर ऑफ ऑन करने के लिए, मतलब हम लोग का इन्वर्टर जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है तो कभी कभी उसको ऑन ऑफ करना पड़ता है, तो इसने नोटिस कर लिया था। तो अभी ये लाइट गया, अगर मैं जैसे ही बोलती हूँ ना वो जैसे इन्वर्टर ऑफ कर देता है। क्या हुआ? पानी पियो। मैंने एक्चुअली वो चोक लगाया था तो उसका थोड़ा मिर्च अभी यहाँ पर घूम रहा है। थैंक यू टू माई लिटिल वन
मेरा बच्चा बहुत ही समझदार है। अभी बाद में बड़ा हो कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा मैं इतना सोचती भी नहीं हूँ, अच्छा ही करे भगवान उसको अच्छा ही रखे। अपने माँ के लिए हर एक बच्चे स्पेशल होते हैं, लेकिन अद्विक को ना मैं तो आज बोल रही हूँ आपको कैमरा के सामने, लेकिन जो भी आते हैं देखते हैं उसके साथ रहते हैं वो सब उसको बहुत तारीफ करते हैं। थोड़ा बहुत तो बदमाशी हर बच्चा करता है, लेकिन मेरा बच्चा बहुत समझदार है। इवन इसको जब मैं अरुणाचल छोड़ के गई थी ना, मुझे इतनी डांट पड़ी थी बहुत लोगों से, भाभियाँ भाभी लोग फ़ोन करके नाक 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 मतलब इसका नाक नहीं है तो बेटा कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो बोलते हैं सब लोग, और मुझे डांट भी बहुत पड़ी थी कि कैसे तुम अद्विक को इतने छोटे में छोड़ के चले गए, लेकिन इमरजेंसी था। उसको भी आगे तो बहुत कुछ अकेले अकेले करना है, तो थोड़ा बहुत मम्मी ट्रेन कर रहे हैं ना बाबा, है ना। एंड बहुत बात करते हैं, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है तो अपना बच्चे को नहीं बोलना चाहिए ऐसे, बहुत बात करता है। एंड अगर मैं मुझे कभी तबीयत खराब लगता है तो वो इतना अच्छे से कंसर्न करता है। इवन लास्ट जब मैं अरुणाचल जा रही थी ना, तो मैं बहुत ब्रेकडाउन हो गई थी, मैं जो जो से रो रही थी, तो मुझे अपना टॉयज कलर, उसको सबसे प्यारा कलर है चॉकलेट है सब कुछ लेके मुझे दे रहा था। इधर तुम्हें एक चीज़ पूछेगा, इधर कम 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 गिर जाएगा बेटा, ऐसा नहीं करते। सुनो यार गाइस को ना, आए अच्छे से इधर आ तो बोलो हेलो गाइस। अच्छा स्कूल में क्या क्या गाना गाया था तुम, जाना गाना क्या था? मतलब जन गण मन जय है जय है जय 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 है। हाँ बीच का कहाँ गया, बीच का कहाँ गया बेचारे। ये ना एक्चुअली सिर्फ एक दिन उन लोगों को शायद कराया था, मतलब परसों, आज सैटरडे है, फ्राइडे को वो स्कूल से आके गाना गा रहा था। माँ आज टीचर ने जाना गाना जया जया गाया, मुझे इतना क्यूट लगा, हंसी लगा। मैंने बोला बाप रे तुम्हारा जाना गाना शुरू हो गया, स्कूल गया है जब प्री स्कूल मतलब नर्सरी में है तो ये सब शुरू हो रहा है। एंड पढ़ाई में भी सो है, ठीक ठीक है, अभी तो मैं इसको क्या ही जज करूँ। चुसान के समय बच्चे इतना पतला हो गया है, मतलब ना वो जब से हम लोग तेजपुर आया है इसका थोड़ा हेल्थ इशू चलने लग गया है, लूज मोशन फीवर ये सब चल रहा है। आई थिंक वेदर चेंज के लिए भी है, हाँ वेदर चेंज के लिए भी है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो चलिए अभी तो कुछ नहीं, मैं वही दो सब्जी बनाऊँगी, थोड़ा इंतजार करूँगी, भगवान को पूजा दूँगी, शाम को उसको नाश्ता भी दे दिया है, एंड उनका इंतजार करूँगी। एंड जब वो आएंगे मैं आपको उनसे मिलवाऊँगी, अगर मुझे वीडियो करना याद रहा तो, अदरवाइज मेरा ना पूरा वीडियो बनाया था लास्ट का, जो मेन चीज़ें वही करना भूल जाती हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी उनका वीडियो एक नेक लेने के लिए। चलो बाय बाय। सो जैसे मैंने बोला था, जैसे मैंने बोला था कि मैं भूल सकती हूँ तो भूल गई, आमालो आके भी जाने वाले हैं अभी। एंड यहाँ पे अद्दू को गिफ्ट मिला है मुन्ना की तरफ से, हाँ थैंक यू बोला बोला बाबूजी। हेलो बाय बाय, फिर आएगा तो ठीक है, बाय बाय बोलो, आ जा बाय आ जा, यहाँ मैं निकाल दिलूँगा। बाय बोलो।